मध्य प्रदेश के दमोह नगर पालिका के भाजपा पार्षदों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का विशेष सम्मेलन स्थगित हो गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इसे आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया है। दमोह में कांग्रेस शासित नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 20 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा की थी और कलेक्टर को अपने शपथ पत्र भी सौंपे थे। कलेक्टर सुधीर कोचर ने सभी पार्षदों से शपथ पत्र लेने के बाद नियम अनुसार प्रक्रिया शुरू करने की बात कही, जिसके बाद अध्यक्ष मंजू राय ने मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसके चलते कोर्ट का निर्णय आने तक कलेक्टर ने 4 सितंबर को विशेष सम्मेलन के आयोजन की प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय पारित होने तक स्थगित कर दिया है, जिससे विपक्षी पार्षदों में सियासी हलचल बढ़ गई है। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उस प्रकरण में राज्य सरकार से अधिसूचना जारी होने के बाद मैंने ये आवश्यक समझा था कि इस विषय में महाधिवक्ता मध्य प्रदेश जबलपुर का अभिमत लिया जाए। हमने उनका अभिमत लिया, जो कि कल हमको शाम को प्राप्त हुआ, और उस अभिमत में ये चीज़ ज्ञात हुई कि माननीय अध्यक्ष नगर पालिका दमोह द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने जो अपर कलेक्टर दमोह द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है 4 तारीख के सम्मेलन का, उस नोटिस को और सम्मेलन को आहूत करने को, ऐसी स्थिति में चूंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसीलिए हमने एक आदेश पारित करते हुए अंतिम निर्णय तक, जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक के लिए जो प्रक्रिया सम्मेलन की और आहूत करने की थी उसको स्थगित किया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।